इम्पोर्टेंट है। यार आप कैसे काम लेके भेज जाते हो मम्मा, यार आप कैसे काम लेके भेज जाते हो? अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस लतिका ब्लॉग। तो जैसे आप सबको पता है कि अभी जो है सर्दियां जो हैं जाने वाली हैं, फेब का महीना जो है चल रहा है, तो अभी तक गई नहीं है क्योंकि आई थिंक अभी कहीं कहीं स्नोफॉल होना स्टार्ट हुई है, तो उसकी वजह से थोड़ा ना ऐसे ठंडी थोड़ी दूसरी ऐसे कांपने वाली है ना, ऐसे ठार जिसको बोलते हैं हमारे डोगरों में। तो ये हैं, आप इनसे मिलिए, आप तो इनसे मिले नहीं होंगे। तो ये हमारे महाशय मिस्टर अनिल शर्मा जी। तो अनिल जी, आप मेरे बारे में कुछ कहना चाह सकते, मतलब कहना चाहते हैं, मतलब दो साल जो है आपके मेरे साथ कैसे स्पेंड हुए, मतलब आपको मैं कैसी लगती हूँ, लाइक दैट कुछ ऐसा। ओह हेलो, बात सुनो मेरी, मतलब कुछ अच्छा बताओ मेरे लिए। अच्छा कुछ है नहीं बताऊंगी मैं। दो सालों में आपको मेरे लिए कुछ अच्छी वाली फीलिंग आई नहीं आई? तो गाइज इनका इन मतलब जो बोलना नहीं चाहते हैं या अंदर से बहुत जो प्यार जो वो बयां करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये मेरे लिए बहुत अच्छा अच्छा सोचते हैं जो बस बड़े ना। तो चलो आपको खुद बताना चाहती हूँ कि अनी जो है वो मेरे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। तो अनी जी को बहुत अच्छा लगता है मेरे लिए बट वो बोल नहीं पाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि मैं बोलना नहीं चाहता ताकि किसी की नजर ना लग जाए, तो वैसा कुछ है। तो मम्मा जो है वो बाहर कुछ कर रही हैं और भाभी जी अपना काम कर रही थी। भाभी जी ने मुझे दिया था झाड़ू लगाने के लिए और मैंने उसको झाड़ू को रख दिया रेस्ट पे। तो हम लोग फिर से जाने वाले हैं आज। तो अभी हम लोग मिलते हैं इनसे। बोलना है कुछ नहीं, अपने जिसको लगता है कि उसका स्कूल बंद होने वाला है तो वो लतिका को स्कूल में लगा ले। ये तो बड़ा ना, ये तो टॉप च पाड़ी ना। टमाटर किन्ने ने? टमाटर किन्ने ने अंकल जी? टमाटर केड़े टमाटर ने? लाल देसी टमाटर? फिर अल्लन टमाटर की, ओ मटर की ला लेनी। मटर की ना अंकल जी? मटर की ना 40 पूरी 40 को काट पर जी। हे गाइस, जैसे आप सब बोलते हो कि आप अपनी सासू माँ से बर्तन साफ कराते हो, तो आप देख सकते हो कितना बड़ा ढेर लगा हुआ है। तो मैं ही करूँगी ये साफ, ये लोग मुझसे साफ कराते हैं, बस अपना नाम कर लेते हैं। तो गाइस मैं ठहरी शरीफ, तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, मतलब वो फर्जा उठाते हैं मेरा। तो मैं यहाँ पे भर रही हूँ अभी बॉटल। तो उसके बाद इतने सारे बर्तन देख सकते हो आप कितना इनको गंद गंद लगा हुआ है, जो कुछ हम खाते पूते हैं तो उनकी क्रेट सारी इनको लगी हुई है। तो अभी मैं इतने सारे बर्तन खुद साफ करूंगी जिसकी वजह से मेरे हाथों की बुरी हालत हो गई आप देख सकते हो। तो गाइस अभी मैं इतने सारे बर्तन जो है वो साफ करूंगी, आप देख सकते हो मम्मा, और मम्मा ले रही है सब्जी और भाभी वहाँ पे बैठी हुई है चेयर पे, तो आप देख सकते हो। तो मतलब आपने मत देखना अभी, अब आप थोड़ी हट के देखना। तो अभी मैं इतने सारे बर्तन जो है वो खुद साफ करूंगी कल, तो मतलब कोई मेरी हेल्प जो है वो नहीं कराने वाला इधर। तो ठीक है गाइस, तो ठीक है, तो ठीक। हैप्पी रोज डे जो कल था और जो मैं आज मना रही हूँ, तो रोज देखिए मैंने लाया कल था वो सूख गया। तू रोज डे रहने दे, तू पांडा डे मना ले पहले। हैप्पी पांडे डे, हैप्पी बर्तन सफाई डे। धन्यवाद।
गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं क्लासेस के लिए और इतने फुलके मैंने बनाए और मुझे एक फुलका खाना नसीब नहीं हुआ, ऐसी किस्मत है मेरी। तो ग्रा मम्मा बोल रही थी मैं आपके मम्मा ग्रा डालती, वो भी नहीं डाले, तो मैं उसी चक्कर में रही कि मम्मा डालेंगे मम्मी और मैं खाऊंगी, और ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाइक पे, तो बाइक पे जाएंगे, बेजी छोड़ने जाएंगे हम लोग, हमको पुलिस पे ये ला और इंजन आगे जो ना सर इधर एक 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 पीस 10 लाने 10 नहीं मतलब कि और एक और थोड़ा मदियाज आनी है और इंजन ग्रे ग्रो कर रहा है शैल जी और मारी जी थोड़ी मैंने मेरे लगे और अपन ते भी आओ अच्छा गड्डी देखन के अंदर आ पीस आप सबको पता है कि इवनिंग का टाइम है और मम्मा यहाँ पे कर रही है कनक साफ और बाबी जी हमारी वो सीख रही है कि कैसे जो है वो कनक जो है साफ की जाती है। मैंने क्या खाया सुबह से, मैंने एक चपाती खाई है, आपने कितनी खाई बताओ? दो खाई मैंने माँ, दो खाती थी माँ, बाबी ने दो खाती थी तो मैंने एक ही चपाती खाई। यार आप कैसे काम लेके भेज जाते हो मम्मा, यार आप कैसे काम लेके बोल जाते हो? अच्छी काम है, एक एक काम नहीं लिए मम्मा खाने को तुझे ना पूछे। सैड कंडीशन है बहुत ज्यादा मम्मा, मैं कैसे करा हेल्प कोई, मैं कोई हेल्प करा तुम दी? मैं तो क्या करा जन यार, सच बने दी चाची ने मैं पकड़ तो लेती हूं, पकड़ लेती मैं, पकड़ लेती हूं। तो मैं बना रही हूं चाय, आई एम अ टी लवर, तो मैं चाय बना रही हूँ, अभी मैंने रख दिया हुआ पानी, तो साथ में हम लोग पियेंगे चाय और साथ में मम्मा करेंगी कनक साफ। गाइस जैसे आप सबको पता है हम लोग हैं हाउस वाइफ्स, तो अभी इस टाइम हम लोग अच्छी वाली राइमा बना रहे हैं, आप देख सकते हो राइमा को मैं अच्छी तरह से घुमा रही हूँ कड़छी के साथ, और यहाँ पे मैंने मसाला बहुत अच्छा सा बना दिया है, ये देख सकते हो आप, मतलब मेरे बनाए हुए राइमा बहुत फेमस है हमारे घर में। तो मम्मा फिर कुछ बोलती है, मतलब मम्मा को ना ऐसे मेरी ऐसे ऐसे खिच खिच करने का बहुत मजा आता है, मेरी खिंचाई करने का बहुत मजा आता है। मम्मा आप करेंगे, मम्मा कुछ बोला आपको? नहीं मम्मा, अगर आपके माइंड में थोड़ी सी बेइज्जती बूझती आ रही मेरे बारे, तो मैं आप कर सकते हो बेझिझक, बेझिझक बेझिझक मम्मा बेझिझक। ओ तो मतलब मम्मा को आ गया, तो मतलब मैंने राइमा तड़का पाया तो मम्मा को आ गया थोड़ा सा तर्स मेरे पे, तो मम्मा थोड़ी इस टाइम मेरी खिंचाई खिचुई नहीं करेंगी। तो अभी हम लोग ये सब करके फिर देखते हैं कहीं घूमने शुमने जाते हैं। जैसे आप सबको पता है हम लोग इधर हम लोग करवाने वाले हैं रामायण पाठ, जिसकी तैयारी वो अभी से स्टार्ट हो रही है, स्पीकर आ गया, तो माइक स्टैंड जो है वो भी आ गया, डेकोरेशन हम लोग करेंगे बाद में, तो ये है आई थिंक ट्रांसफार्म वगैरह जो भी है, तो अभी से आज से तैयारी जो है वो स्टार्ट है, 10 को है मतलब 10 को है, तो आप सबको स्पेशल इनविटेशन है, तो क्या खाना है बता क्या, फिर अगर तूने खाने तो मैं तेरे को दे देती हूँ, बट मुझे नहीं खाना है, तो वैसा है, तो वो 10 को हमारे घर में है रामायण पाठ, जो 10 को स्टार्ट हो रहा है सुबह 10 बजे, और दूसरे दिन मतलब ख़त्म होगा 10 बजे नहीं होगा, पता नहीं कितने बजे होगा, क्योंकि पूरी रामायण जो है वो एक ही बैठक में पढ़नी होती है, वैसे जब एक मतलब पंडित जो है वो उठेंगे तो दूसरा बैठ जाएगा, ठीक है, तो उस तरह से कुछ ऐसे होगा। तो अभी हम लोग करेंगे डेकोरेशन द टन को ही, तो वो मतलब जो भी बताते हैं पंडाल वगैरह छोटा सा जो होता है स्टेज वगैरह भगवान जी की वो बनेगी राम जी की, तो वो हम लोग उसकी डेकोरेशन हम लोग परसों स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी कर देंगे हम लोग सुबह, क्योंकि पंडित जल्दी आ जाएंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने 5 पंडित जो बुलवाए हैं, दो जो ऑलरेडी हमारे घर में हैं पापा जी और भैया जी, तो 3 पंडित हम लोगों ने बुलवाए हैं मतलब बाहर से, तो वो भी हमारे भैया जी वगैरह वगैरह ही हैं। तो उसके बाद मतलब जैसे मैंने आप सबको बताया कि 10 को स्टार्ट हो रहा है तो 11 को ख़त्म होगा, तो आप सबको स्पेशल इन्वाइट है, तो जो लोग पास पास में हैं तो वो लोग आ सकते हैं रामायण पाठ, जिसको सुनना है जो इंटरेस्टेड है, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है रामायण, और मैं फर्स्ट टाइम सुनने वाली हूँ, तो फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं खेतों में चक्कर लगाने के लिए, क्योंकि मैं मोटी हो रही हूँ, तो मतलब मैं नहीं हो रही, मतलब भाभी बहुत हो गई है, तो इसलिए ये बोल रही, तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा घूमी घूमी करने, तो ठीक है गाइज़।
टेक केयर। तो मिलते हैं खेतों में जाके। हे गाइस, तो आ गए हम लोग खेतों में। आप देखिए पीछे हम लोगों ने लगाए हुए मटर। भाभी देखना एक एक मटर निकाल के ना खाए जा रही, देखना मजा इनका। ये देखना देखना, मतलब कैसे मुंह में डालेंगे अब देखना। ए देखा, तो मतलब ये बैठे हुए हैं अभी। मतलब हमारे यहाँ पे ना मटर जो है वो पूरी तरह से पक्के नहीं हुए हैं सारे अभी। मतलब इनमें ना वो जो दाने बने होते हैं वो अच्छे से नहीं बने हुए हैं, वो जितने जितने निकल रहे हैं। देखना कैसे खाएंगे। ये देखो, ये देख तो यहाँ पे मैं भी ढूंढ रही हूँ बट मेरे को मिल ही नहीं रहा। तो छोटे छोटे मटर लगे हुए हैं, ये देख सकते हो इस तरह के। यार निकल भी, तो हम लोगों ने बहुत सारे लगाए हुए मटर और पीछे रही सरसों और मैं भी खा रही हूँ। छड़ियो हूं कोई रिया भी है कोई नाल ना या नहीं तो सिखाने हैं मटर। अनी जी आते हुए खेतों में। आपने मटर खाने हैं? कहां पे क्या करना है घर जाके? अब मुझे लेने आयो? हाय, अब मुझे लेने आयो? आई एम सो लकी। धूल में ही पले बड़े हैं तो हम लोग। आप इधर हो जाओ थोड़ा, उस अंदर से उसकी धूल आ रही है। आ जाओ इधर, आ जाओ। क्या दी? पो की पुथवा भाई, पो ही पापा अंदर चाचू कर रहे हैं। नहीं पो से कुछ आए था, पो आएंगे लाए था। हाँ वो तुसी लाए था। हाय टैडी यार, अभी हम लोग जाएंगे बाइक पे। तो हम लोग ऐसे ही आए थे तो मैंने लिए। ओ भाभी जी कुछ छोड़ दो अभी। ये देखिए ये भाभी जी फूलगोभी में से फूलगोभी निकाल के खा रही हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने मैंने ले ली एक मूली, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी सी लग रही थी, छोटी सी थी। तो घर में बहुत सारी हैं पर वो बड़ी बड़ी वाली हैं, तो इसलिए मैंने छोटी सी मूली ले ली। तो अभी हम लोग बैठेंगे इधर पीछे। तो मैं बैठ गई हूँ, अभी पीछे बैठेंगी भाभी जी। तो भाभी खाती हुई मटर। ओह यस, थोड़ा सा घुमा के लेके आओ ना हमें उधर खड्ड वाली साइड से। मेटा तू नी, हाँ तू तो मेरी नेचर दे यार। माँ माता जी मैं आपके पैर दू? तो बांधे में ना कुर्सी पे इधर बैठी जगह मम्मी लगी है ना तू दौड़। नहीं नहीं माँ आप इधर चेयर पे बैठो, मैं आपके पैर धोती हूँ अच्छे से। तू तो मम्मा ने स्पेशल 20 रुपए का साबुन मंगवाया पैर धोने के लिए। अच्छा अच्छा, वो जो उस चीज के साथ पैर को रब करते हैं वो। तो मैं दूं आपके पैर? माँ भाभी आप कैमरा पकड़ो, मैं मम्मा के पैर दूं। उठो उठो ऐसे पता ऐसा पीड़ोगी तो बोलना मत। देखो शाबाश कुड़िये शाबाश। मम्मी लत नी बनी होने सही गल है। तो गाइस मां तो लमी भैया ना मैं बोवा दम और यार पैर मेरे को फट पवा नहीं फिर के करा कुछ करी भी आ तो कोत करा के फिर उड़ो नहीं है ना थोड़ी थोड़ियां तो थोड़ियां तो यहां पे मैं धोती हूं मम्मी के पैर
तो मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के धोए, क्योंकि हमारे घर में 10 तारीख को जो है रामायण पाठ बैठने वाला है, तो इसलिए मम्मा वो अच्छे से हम लोग बिल्कुल नमा बना रहे हैं, नमा बना रहे हैं मम्मा को चमकाएंगे हम पूरी तरह से, क्योंकि कुड़म छुड़म आने वाले है ना मम्मी के, तो मम्मी अच्छे से चमक रही है, तो मम्मा अच्छे से चमक रही है ताकि हम लोग मतलब पैर पूर चमकाए। आपे मूली खाई सस भांडे मांजी, मैं मांजी पहले, तू अंदर ही बैठी थी रामा पर पुले कर दे पर। दो मिनट होने, दो मिनट पेशेंस रखो, पेशेंस So, जैसे आप सबको पता है रात में होता है सबसे पहले डिनर का, तो डिनर का हम लोगों का गेस्ट खत्म हुआ, हम लोगों ने 7 बजे के करीब डिनर जो है वो कर लिया था, क्योंकि अनी जैसे ही मतलब शॉप से आए तो उनको लगी थी बहुत भूख और उनको हो गया था फीवर, तो हमने उनको दी मेडिसिन वगैरह, रोटी वगैरह, उसके बाद उन्होंने दी मेडिसिन, और अब देखो उनका मन क्या हो रहा है, उनका मन हो रहा है कॉफ़ी पीने का, जिसके लिए मैंने दूध जो अच्छे से उबाल लिया, मुझे इसमें डालना है कॉफ़ी पाउडर और अच्छे से फेंटना है, तो हमारी कॉफ़ी जो हो जाएगी रेडी। तो इस टाइम इनका मतलब जब इनको फीवर होता है तो इनका मतलब ऐसे जब हम लोगों को फीवर होता ना तो हमारा ये होता है कि हम लोग ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, क्योंकि हम लोगों का मन नहीं हो रहा, पर जब इनको फीवर होता है तो इनका कुछ ना कुछ खाने का मन होता है, अभी इनका मन होता फन फन खाने का, तो इन्होंने खाया फन फन, अभी इनका मन है कॉफ़ी पीने का, तो देखते हैं रूम में जाके क्या कर रहे हैं, फिलहाल तो मैं ले चलती हूँ कॉफ़ी। तो कॉफ़ी रेडी अनी, आप लोग आप देखिए ना कॉफ़ी, तो काफी मेरी अच्छे से बन गई है, तो देखिए अनी जी कैसी बनी है, अनी प्लीज नो हेड अप, नाइस, थैंक यू बोलो, थैंक यू। अभी फीवर ठीक है आपका? तो डॉक्टर चेक करने आए हैं? ठंडा था। ओह सॉरी, आपको आप ये डॉक्टर को लाइक नहीं करते हो? कितना, हाउ मच? गाइस आज की कॉफ़ी के साथ ये ब्लॉग जो है हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, तो देखिए फन फन अभी इनका बचा हुआ है, खा लिया इन्होंने एक बचा हुआ है, तो ठीक है गाइस ये ब्लॉग हम लोग कर रहे हैं अपनी कॉफ़ी के साथ ख़त्म, बाय बाय, गुड नाइट।